नमस्कार, मैं हिना श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंगलवार को मनोज तिवारी को दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर आदेश कुमार गुप्ता को नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मनोज तिवारी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार के बाद इस्तीफा की पेशकश की थी, लेकिन आलकमान ने इसे ठुकरा दिया था। हालांकि मनोज तिवारी का कार्यकाल भी समाप्त हो गया है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद मनोज तिवारी का पहला रिएक्शन आया है और उन्होंने ट्वीट कर कहा, प्यार व सहयोग के लिए दिल्ली वासियों का आभार जताता हूं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जाने अनजाने अगर कोई भी गलती हुई हो तो उसके लिए क्षमा करना। भारतीय जनता पार्टी ने नवंबर 2016 में बड़ा बदलाव करते हुए सतीश उपाध्याय की जगह पर मनोज तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। बीजेपी ने पूर्वांचली वोटरों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे से मनोज तिवारी को ये जिम्मेदारी सौंपी थी, क्योंकि वह दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट के सांसद हैं और पूर्वांचलियों के बीच खासे लोकप्रिय भी हैं। जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष कौन है आदेश गुप्ता। मनोज तिवारी को हटाकर बीजेपी ने जिसे दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है उनका नाम आदेश गुप्ता है। आदेश गुप्ता एक साल पहले नॉर्थ ईस्ट एमसीडी के मेयर भी रह चुके हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी ने यह चेहरा व्यापारी वर्ग को खुश करने के लिए आगे किया है। मनोज तिवारी को हटाकर बीजेपी ने जमीनी और दिल्ली से जुड़े नेता को अध्यक्ष बनाया है, जिसकी मांग काफी वक्त से चल रही थी। आदेश गुप्ता एक वक्त में ट्यूशन पढ़ाकर अपना घर चलाते थे। मनोज तिवारी को पद से क्यों हटाया गया, इसके पीछे की वजह अभी साफ नहीं है। कल हिरासत में लिए गए थे मनोज तिवारी। मनोज तिवारी को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ सोमवार को लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। वह दिल्ली में कोविड-19 को नियंत्रित करने में अरविंद केजरीवाल सरकार की नाकामी के खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए राजघाट पर जमा हुए थे। इससे पहले भी मनोज तिवारी पर लॉकडाउन तोड़ने के आरोप लगे थे। वह क्रिकेट मैच खेलने हरियाणा पहुंचे थे। वहां उन्होंने मैच के दौरान ना तो मास्क लगाया और ना सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन किया। उन्होंने दिल्ली चुनाव में मिली करारी हार को भी मनोज तिवारी को हटाने के पीछे वजह माना जा रहा है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव 2020 यानी इसी साल फरवरी में हुए थे। इसमें बीजेपी को कुल 8 सीट मिली थी। धन्यवाद।